चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाएं जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज किचन में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है केक, जो कि बहुत ही सिंपल है और बड़ी ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं केक। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप शुगर, 2 टेबलस्पून इवेपोरेटेड मिल्क। आप इवेपोरेटेड मिल्क की जगह सिंपल मिल्क भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बटर, जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। 2 अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम सारी चीज़ें डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा, शुगर, इवेपोरेटेड मिल्क, बटर, अंडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को मिक्स करके हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा। आप इसे स्पून से मिक्स कर सकते हैं, फेंट सकते हैं, या फिर आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी। अगर आप हाथ से फेंटते हैं तो आप कम से कम 7 से 10 मिनट तक इसे फेंटिएगा। ब्लेंडर से ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। ब्लेंडर से 5 मिनट तक फेंटने के बाद हमारा ये केक का मिक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे जितना ही अच्छे से फेंटेंगे केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब ये हमारा केक का मिक्सचर तैयार हो गया है। दोस्तों, यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और केक इससे चिपके ना, इसलिए मैंने ये पेपर लिया है बेक करने के लिए। आप इसे नॉर्मल ऑयल से बेकिंग कर सकते हैं। अब हमारी इस केक के मिक्सचर को हम इस बेकिंग ट्रे में डालेंगे। दोस्तों, केक के मिक्सचर को मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया है और अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इस केक को हम लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे। तो लगभग आधे घंटे बेक करने के बाद हमारा केक रेडी हो गया है। ये पूरी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि केक अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं, तो लगभग आधे घंटे बाद एक नाइफ लेके आप केक के अंदर ऐसे इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर नाइफ एकदम क्लीन निकलता है तो आपका केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलता है तो थोड़ा टाइम आप और देके उसे अच्छे से बेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये केक को ट्रे में निकाल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बने हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा केक बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे कट कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। Happy cooking. Thanks for watching.